कोविड 19 के नाल जिथे लखां लोगों दी जॉब्स गई ने, बहुत सारे लोगों ने इस दे विच अपनियां जानां भी गवाईयां ने। कोविड 19 दे लाके बहुत सारे लोगों का इस दुनिया नूं वेखण दा नज़रिया भी बदलिया वा। कुछ लोगों ने इस तो बहुत कुछ सिक्ख्या भी आ, असी कुदरत दे नाल की कीता सी ते सानूं कुदरत ने इसका की नतीजा दिता, इदां दीआं गल्लां भी होईआं ने। लेकिन इस दे नाल असी दस दईए कि बहुत सारे बाहरले देशों के लोग जो हिंदुस्तान दे विच आए सी ते जो हिंदुस्तान तो बाहर गए हुए सी तो जिथे सी उत्थे फस गए ने। मेरे पिछे तुसीं वेख रहे हो कि एक वड्डा हजूम खड़ा वा। ये नौजवान वो ने जिहड़े वख-वख देशां तों, खासकर असीं गल करिए तां न्यूजीलैंड तों इत्थे जदों हिंदुस्तान आ गए सी तां उस तों बाद ये लोग इत्थे ही फस के रह गए ते उस दे नाल ये हुण मंग कर रहे ने कि इन्हां नूं जल्द तों जल्द वापस जिहड़ा न्यूजीलैंड जाण दे लई परमिशन दिती जाए। लेकिन इन्हां वल्लों कई जगह पर प्रोटेस्ट किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई हल जिहड़ा निकलता सामने नहीं नज़र आ रहा। सो अज यह मोहाली दे विच इकट्ठे हुए हैं तो इन्हां वल्लों जिहड़ा प्रोटेस्ट किया जा रहा, आपां इन्हां नाल गल करदे हां। तुहाडा पूरा की नाम जी? मेरा नाम प्रभजोत सिंह जी। प्रभजोत सिंह जी, की कहना चाहोगे? असीं यही कहना चाहुंदे आ जी कि न्यूजीलैंड गवर्नमेंट वल्लों सानूं शरेआम इग्नोर किया जाता। सानूं 9 महीने हो गए इंडिया तो आया नूं, तो असी 19 तरीक नूं दिल्ली दे विच प्रोटेस्ट किया सीगा, ते 20 तरीक नूं ऑनरेबल इमीग्रेशन मिनिस्टर न्यूजीलैंड दे वल्लों एक इंटरव्यू दित्ती गई, जिहदे विच इह कहा गया कि हाँ असी जिहड़े माइग्रेंट इंडिया दे विच स्टक होए आ असी उन्हां नूं कंसीडर कर रहे हां। बट असी उन्हां नूं इह क्वेश्चन करना चाहुंदे आ, जे तुसीं सानूं कंसीडर करदे हो सानूं एक प्रोपर टाइम फ्रेम दे दो कि असी इह तुहानूं 2 महीने तक जां 4 महीने तक बुलावांगे, ते जे तुसीं सानूं टाइम फ्रेम नहीं देना घट्टो घट्ट जिहड़े साडे वीज़े आ उह होल्ड कर दो, क्योंकि बहुत जणां दे वीज़े खत्म हो गए, साडे भी हौली हौली करके खत्म हो रहे आ, ते असी इह चाहुंदे आ कि असी अपने वीज़े ना खराब करिए। असी इह रिक्वेस्ट करदे हां जी उन्हां नूं। सो इत्थे इत्थे बहुत सारे बच्चे लैके भी लोग आए ने ते उन्हां दे भी वीज़े ने जिहड़े होल्ड करन दी गल कीती है। तुहाडा की नाम जी? मेरा नाम योगेश कुमार है। मैं कहना चाहुंदा भी जिहड़े साडे वीज़े हुण तक खराब होए ने, ज़्यादा सानूं अगे एक्सटेंड करके दित्ते जाण। देखो वख-वख देशां तों इह होर भी इमीग्रेट्स बुला रहे ने, पर इह सानूं जिहड़े ओपन वीज़े वाले ने उन्हां नूं बुलाउण वास्ते बार बार कह रहे ने, डिले कर रहे ने। सानूं हद तक कोई भी इन्हां ने कोई इनफोर्मेशन नहीं दित्ती, ना सानूं उस टाइम दित्ती इनफोर्मेशन कि तुहाडा बार्डर असीं क्लोज़ कर रहे हैं, सानूं कोई नोटिस दिता होवे नहीं। तुसीं वेख सकदे हो कि छोटे बच्चों के नाल जिन्हां कोल एक पोस्टर जिहड़े लए हुए ने, छोटे बच्चे भी ने जिन्हां ने न्यूजीलैंड जाना सी लेकिन जदों कोविड 19 की समस्या आई तो उस तों बाद बंदे इत्थे खड़ गए ने, तां इन्हां नूं किते जाण दा बाहर मौका नहीं मिलिया। सो इत्थे ही किन्ना समय तो स्टक होए ने? की नाम तुहाडा? गुरिंदर कौर। गुरिंदर कौर जी, की कहोगे? सर असीं लास्ट 8 मंथ्स तों स्टक आ इत्थे, ते गवर्नमेंट दा कोई इरादा नहीं हैगा हजे बुलाउण दा, सिर्फ उन्हां नूं बुला रहे जिन्हां कोल जॉब्स हैगियां वा, बट उन्हां नूं एटलीस्ट कुछ फेयर चांस देना चाहिए हर एक जने नूं जिहड़े 19 मार्च तों पहलां न्यूजीलैंड रह रहे सीगे। बहुत सालां तों कई रह रहे, असीं 7 साल तों उत्थे रह रहे सीगे, ते उन्हां नूं एटलीस्ट एक मौका देना चाहिए, एटलीस्ट असीं अपने थिंग सॉर्ट आउट कर सकीए। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਲੇਡੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਜਸਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਿੰਘ। ਐਕਚੁਲੀ ਸਰ ਵੀ ਕੇਮ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਫੈਬਰਰੀ ਐਂਡ ਵੀ ਨਾਓ ਗੋਟ ਸਟਕ ਫਰੋਮ 9 ਮੰਥਸ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ 9 ਮੰਥਸ ਨਾਓ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਵੇਟਿੰਗ ਫੋਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੂ ਗਿਵ ਅਸ ਰਿਸਪੋਂਸ। ਵੀ ਵਾਂਟ ਦੈਮ ਟੂ ਗਿਵ ਅਸ ਅਸ਼ੋਰਿਟੀ, ਵੀ ਵਾਂਟ ਦੈਮ ਟੂ ਹੋਲਡ ਅਵਰ ਵੀਜ਼ਾਸ, ਐਟਲੀਸਟ ਐਕਸਟੈਂਡ ਅਵਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸ਼ਿਓਰਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਪੂਰਾ? ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ। ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਕਹੋ? ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਮੋਸਟਲੀ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 19 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਸੀ ਕੁਝ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀਜ਼ੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜੋਬ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਬ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਟਾਈਮ ਦੱਸਣਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਆਏ ਸੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜੂਗਾ,
तो सडनली न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने 6 घंटे का टाइम दे के बॉर्डर क्लोज़ कर दिता, 1 या 2 दिन का समा नहीं दिता, तो इन्ने दे विच असी वापस नहीं जा सकते। तो उस तो बाद असी 3-4 महीने वेट किया, जिन्ने चिर करोना सीगा असी कुछ नहीं बोले है। तो उस तो बाद जदों न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट वालों 4-5 महीने बाद सानूं टोटली इग्नोर किया गया, फिर असी उत्थों जिहड़े अपनी कम्यूनिटी के लीडर आ उन्हां नूं असी कहा भी साडी आवाज़ उठाओ, उन्होंने भी उत्थे प्रोटेस्ट वगैरह किए, तो पर गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है। हुण एटलीस्ट ऑलमोस्ट 9 महीने हो चुके हैं पर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही हैगी। साडे स्टिल असी रेंट पे कर रहे हैं, साडियां कारां उत्थे खड़ियां, साडियां कारां दे इंश्योरेंस दे पैसे, फोन दे बिल जा रहे हैगे। जे हुण असी नहीं पे करदे तां साडा बैड क्रेडिट दे विच पा दित्ता जांदा। समस्या यही है कि साडा हुण असी भावें इत्थे हैं बट साडा सारा कुछ उत्थे ही है, साडे हुण तक रेंट भी जा रहे, असी इंस्टॉलमेंट सब कुछ साडा लाइक असी एक तरह जीरो हो चुके हैं फिलहाल, क्योंकि 9 महीने बहुत होंगे ने इंडिया च बैठे विदाउट जॉब, सारे पे रेंट पे करना, एंड बच्चा भी साडा लाइक उत्थे स्कूल जांदा सी ओह सब कुछ मिस करदा पिया, साडे वीज़ा वेस्ट हो रहे हैं, ते हुण तक भी सानू कुछ भी न्यूजीलैंड वालों कुछ भी नहीं किया जा रहा कि कदों तक सानू बुलाएंगे। सो सानू असी तो बस यही रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार यही कर रहे हैं हुण तक कि सानू अलाउ किया जाए, जां साडे सानू वापस भेज लैके जाओ या फिर साडे वीज़ा फ्रीज कर दिते जाण, बस साडी यही रिक्वेस्ट है। जदों न्यूजीलैंड दे बॉर्डर जिहड़े क्लोज़ किए गए ने COVID-19 दे चलदे होए, सो वो जिहड़े वीज़ा सीगे वो जिहड़ा टाइम सीगा तो उस समय कुछ ही घंटियां दे विच जिहड़ा इन्हां दे कहण दे मुताबिक बॉर्डर क्लोज़ कर दिते गए सी। तो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट नूं इन्हां वल्लों अपील की गई है कि साडी जिहड़ी इत्थे असीं स्टक होए आ, साडियां कारां उत्थे खड़ियां ने, रेंट असीं पे कर रहे हैं, बच्चे साडे स्कूल नूं मिस कर रहे हैं, बहुत सारियां जिहड़ियां समस्यावां हैगियां ने, प्रॉब्लम्स हैगियां ने, उन्हां दे लई ये लोग अज भी जिहड़ा उन्हां नूं बेनती कर रहे हैं कि साडू जिहड़ा घट्टो घट्ट उत्थे जाण दी आग्या दित्ती जाए। हरप्रीत सिंह जसवाल, प्रो पंजाब टीवी चैनल, मोहाली।